हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रहता है क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए वो ये रहता है कि मैम हम क्रिटिकल रीजनिंग कर तो रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिटिकल रीजनिंग को एस करने के लिए क्रिटिकल रीजनिंग को क्रैक करने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सबसे जरूरी क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है क्रिटिकल रीजनिंग को समझना कंक्लूजन इन्फ्लेंस आर्ग्यूमेंट या स्ट्रेंथिंग ये कुछ टाइप है क्वेश्चन के जो क्रिटिकल रीजनिंग में कॉन्स्टेंट रहते हैं तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग क्या बोलेगी कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर हर एक पार्ट को अच्छे से समझो वेलकम टू स्टडी आई क्यू मेरा नाम है और हर रोज की तरह आज भी रीजनिंग रिचुअल में हम करेंगे कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात जो आपको हेल्प करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन को क्रैक करने में हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रहता है क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए वो ये रहता है कि मैम हम क्रिटिकल रीजनिंग कर तो रहे हैं प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना न्यू है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिटिकल रीजनिंग को एस करने के लिए क्रिटिकल रीजनिंग को क्रैक करने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेसिक्स क्या है और आप उन स्किल्स को कैसे डिवेलप कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम करेंगे उसी के बारे में बात तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट है किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली प्रैक्टिस करना इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड सच रिसोर्स आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जहां पर हम शेयर करते हैं सिर्फ आपके लिए फ्री रिसोर्सेस विच यू कैन इंक्लूड इन योर डेली प्रैक्टिस इन दीन टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स यू कैन रीच आउट टू मेट डेक्टली विदाउट फर्दर डू लेट्स डाइवराइट इन इस कोड को यूज करने से क्या होगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा कमिंग बैक टू दॉपिक ऑफ आर वीडियो सो हमारे वीडियो में मैंने जैसे की बताया आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन के बारे में जो कि हर रोज़ रोज़ होती होती है क्लास होती है क्लास कब 5 पीएम करेक्ट तो बजे की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉमन है काफी टाइम से ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे तो स्टार्ट करते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग में कौन सी ज्यादा कौन सी ऐसी स्किल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे जरूरी क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है क्रिटिकल रीजनिंग को समझना जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था क्या बोला था कि क्रिटिकल रीजनिंग हमारे लिए एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है इसको हमारे बेसिक से समझना पड़ेगा शुरू से देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है और इसको समझने का सही तरीका क्या है अब होता क्या है क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास इंग्लिश में आते हैं और वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपको एक पैसेज दिया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे उसमें आपको ये पैटर्न सिमिलर मिलेगा कि पांच क्वेश्चन है साथ में एम है और कभी कभी क्वेश्चन का टाइप ज्यादा

वट इज ही ट्राइंग टू जज तो अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट है अगर आप लॉ आगे जाकर परस्यू करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स वो जानना चाहेगा ना कि आप में वो स्किल्स है या नहीं कि आप एक कॉम्प्लीकेटेड टेक्स्ट को समझ पा रहे हो या नहीं क्योंकि जब हम बड़े बड़े सेक्शन पढ़ते हैं लॉ पढ़ते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं जितने भी टेक्स्ट है हमारे जो जरूरी है हमारे एक लॉ एस्पिरेंट के लिए जब भी वो पढ़ते हैं तो उसमें आपको पैसेज ही दिखाई देंगे और ज्यादातर इंग्लिश दिखाई देगी लीगल पेपर्स में भी इसीलिए आपको वो शुरू से ही इसी चीज के लिए टेस्ट कर रहा है करेक्ट अब जैसा कि मैंने बताया कि है तो वो इंग्लिश में और कुछ ट्वेंटी परसेंट के आसपास इसकी वेटेज है तो हम इग्नोर तो नहीं कर सकते इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग को समझते हैं पहले तो वो क्या जज कर रहा है आपका वो आपका जज कर रहा है एक ऐसी अबिलिटी कि आप एक टेक्स्ट को पढ़कर उसको कितने अच्छे से समझकर किस डायरेक्शन सही डायरेक्शन में काम कर कर अपना आंसर ढूंढ पा रहे हो या नहीं मतलब कि अगर आपको एक पैसेज दे दिया गया और अगर आप उसको रीड कर रहे हो टाइम लगाकर तो आप पैसेज का जो मेन आइडिया और आर्ग्यूमेंट है क्या आप उसको समझ पाए क्योंकि अगर नहीं समझ पाए तो क्या हुआ हमारा जो एसेंस है वो खो गया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स पर बात आ गई इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग को समझने का सबसे बेसिक तरीका क्या है कि वो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स को जज कर रहा है कि आप क्रिटिकली किसी आर्ग्यूमेंट को सोच पा रहे हो या नहीं क्रिटिकली क्या किस चीज का ब्रांच है ये ये लॉजिकल रीजनिंग का ब्रांच है राइट right? तो वो आपका लॉजिक भी टेस्ट कर रहा है कि एक पैसेज तो हमने आपको दे दिया एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो हमने आपको दे दिया लेकिन उस इंफॉर्मेशन से सही तरीके का जो नॉलेज है वो आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो दैट इज इट इतना ही है और इतना ही सिंपल है जितना सुनने में लग रहा है डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि मैंने बताया कि क्रिटिकल रीजनिंग में पैटर्न सेम है ये हमारा एडवांटेज है इसीलिए अगर आप बेसिक्स को पकड़ लोगे समझ लोगे एक बार तो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में राइट अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर लोगे और प्रैक्टिस करोगे डेली हर रोज पांच बजे हमारे साथ तो आई एम श्योर देट यूल बी एबल टू क्राइट

हिडन है। अगर आपको एक बार क्रिटिकल रीजनिंग का एसन समझ में आ गया आपको पैसेज समझ में आ गया तो आपके लिए ये सेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारे लिए है वो क्या है हमारी एनालिटिकल थिंकिंग सो पहले समझा हमने क्रिटिकल रीजनिंग को अब समझते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है सुनने में ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा तो डरना नहीं है जैसा कि मैं बोलती हूँ इंग्लिश में वर्ड से डरते नहीं है इंग्लिश से नहीं डरते उससे क्या करते हैं दोस्ती तो इसीलिए एनालिटिकल थिंकिंग क्या है हमारे हम उसको समझते हैं एनालिटिकल थिंकिंग होती है कि हम एक कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में समझ पा रहे हैं या नहीं सो एनालिटिकल थिंकिंग इट्स टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स इश्यूज और प्रॉब्लम इन टू स्मॉलर कॉम्पोनेट्स एनालाइज ईच कॉम्पोनेंट सेपरेटली टू गेन द बेटर टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द Whole, एक बड़ा पैसेज अगर आपके पास है, तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग क्या बोलेगी कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर हर एक पार्ट को अच्छे से समझो क्रिटिकल रीजनिंग का ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका होता है क्यों आसान होता है क्योंकि एक बड़ी चीज को समझना डिफिकल्ट होता है सारी इंफॉर्मेशन को साथ में अंडरस्टैंड करना इज क्वाइट चैलेंजिंग बट अगर आप उसी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो ऑफ कोर्स आपका टास्क इजी हो जाएगा ना दो चार लाइंस को समझना आसान होता है ना कि फिफ्टी लाइन्स राइट तो इसीलिए हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और हमारे लिए उन पार्ट्स को समझना कितने अच्छे से हम उसको समझ पा रहे हैं ये जरूरी हो जाता है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रीजनिंग में देन यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग अगर वो आपसे क्वेश्चन एवरीथिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ जो पैसेज में बोली गई है उसको बाहरी दुनिया से आप क्वेश्चन करो नहीं क्वेश्चनिंग एवरीथिंग का मतलब है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको क्वेश्चन करो कि क्या ऑथर यही कहना चाहता है जो मेरे ऑप्शन में दिया गया है या वो आपसे घुमा कर कोई चीज पूछ रहा है सो दैट यू मेक द दरअर ज्यादातर हमारे जो एमसी क्यूज है उसका एसेंस यही होता है उसका मोटिव यही होता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे तो वो कभी कॉन्ट्राडिक्टी आइडिया दे देगा आपको जो बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा गिवन इन्फॉर्मेशन से लेकिन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें गलत इंफॉर्मेशन चूज नहीं करनी है कब होगा ये जब हमें हमें पता चलेगा क्या कि हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है हमसे पूछा क्या गया है बताया क्या गया है क्वेश्चन क्या है राइट Now that you understand the basics, this also one thing that you all should know कि critical reasoning में मैंने क्या बताया ये किसका branch होता है logical reasoning का correct तो वो क्या judge कर रहे हैं आपका logic judge कर रहे हैं कि आप एक given text को logically analyze कर पा रहे हो या नहीं लेकिन इसका एक ट्रिक है क्रिटिकल रीजनिंग में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने उसी को ही सच मानना है उतनी ही इंफॉर्मेशन को लेकर आपको को सॉल्व करना है है ना ना उससे ना उससे ज्यादा कम एग्जैक्टली exactly उतनी तो हो सकता है कि आपको बाहरी दुनिया में कुछ और चीजें पता हो लेकिन आप उस चीज को अप्लाई कर जनरल नॉलेज नहीं लगाओगे यहाँ पर उतनी ही नॉलेज लगाओगे जितनी आपको पैसेज में दे दी गई है क्योंकि वहां पर आप ऑथर के परस्पेक्टिव को समझ रहे हो अपने पर्सपेक्टिव को अप्लाई नहीं करना है तो लॉजिक को समझना है और फैलसीज को समझना है फैलेसीज क्या होती है ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके लॉजिक से जो आपको गलत डायरेक्शन में मिसलीड करे उनको हम बोलते हैं फैलेसीज ठीक है तो इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है वी नीड टू लर्न फॉर्मल लॉजिक कॉमन लॉजिक फैलेसीज अंडरस्टैंड दीज प्रिंसिपल्स सो दैट यूर एबल टू रेक फ्लॉड्यूमेंट फ्लॉड आर्ग्यूमेंट मतलब जो गलत है ऑपोजिट है आपके गिवन से मुझे मेरे लॉजिक तक आंसर तक पहुंचने में हेल्प बिल्कुल नहीं कर रहा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट्री है तो ये चीजें जब आपको समझ में आ जाएंगे एक पैसेज में तो आपके लिए आंसर को चूज करना विल नॉट बी अज एट ऑल जब आप ये सब कर लेते हो अब आपने कहाँ जाना होता है अपने एम के पास करेक्ट सो वेन यू गो बैक टू योर क्वेश्चन इन सी दी क्यूज यूल अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी क्लियर टू यू यू नो द लॉजिक यू नो द दर्गमेंट ऑल यू नीड टू डू इज नाउ अप्लाई दो एलिमिनेट द दैट यू थिंक इज नॉट द आंसर कुछ चीजें आपको पता रहेंगी कि ये आंसर मेरा डेफिनेटली नहीं है तो उसको अब आपने क्या करना है अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर काम करना है ताकि आप कॉन्फिडेंट रह पाओ एग्जाम में और चूज कर पाओ कन्विक्शन के साथ कि नहीं मेरे को पता है यही राइट आंसर है अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा यूल कीप गोइंग बैक टू पैसेज देन टू क्वेश्चन

available you just need to reach out through these social media handles up Instagram per reach out Karo telegram per reach out Karo Yeh social media handles here I'll try my level best to answer as quickly as I can now until we meet again keep practicing all the very best take care of your health and I'll see you in the next video thank you